विरोध का सिलसिला सी डबल ए को लेकर लगातार जारी है दिल्ली में पहले जामिया मिलिया और सीधे अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीलमपुर की जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है पुलिस भी वहां मुस्तैद है मौजूद है लेकिन यहां पर भी अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं यह तस्वीरें सीलमपुर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं लोगों की भीड़ यहां इकट्ठा है हालांकि ट्रैफिक रोक दिया गया है तो इस पूरे इलाके में भी विरोध की ज्वाला भड़क उठी है बड़ी खबर इस वक्त की सीलमपुर से आती हुई हालांकि पुलिस यहां अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां विरोध प्रदर्शनों को लेकर आगे बढ़ने की फिराक में थे यहां लोग जिनको पुलिस ने रोका है और थोड़ा यह हिंसक भी हुआ बसों में तोड़फोड़ भी की गई है तो ठीक है जामिया मिलिया जिस तरीके से उसके बाद प्रदर्शन हुआ छात्रों के साथ शरारती तत्व भी मिल गए और फिर कई बसों को आग के हवाले किया गया कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब सीलमपुर से आती हुई कई बसों में यहां तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं वो भी तब है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि मुसलमानों से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है भारत के संविधान के तहत यह बिल लाया गया है और इस कानून में किसी भी हिंदुस्तानी को डरने की कोई जरूरत नहीं है लगातार विपक्ष भ्रम फैला रहा है यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का और उस भ्रम में ना आए इस कानून के मसौदे को समझे कानून में क्या है यह किसी भी भारतीय के लिए नहीं है सीधे अब से कुछ देर पहले मंच से बोलते हुए सीधे वो मुस्लिमों से मुखातिब हुए और यह कहने की कोशिश की कि जो कानून लाया गया है उससे भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है तो देखिए फिलहाल ये स्थितियां सीलमपुर की बनी हुई है यहां पर अच्छी खासी भीड़ यहां बवाल मचाने को उतारू थी पुलिस अच्छी खासी मात्रा में वहां मौजूद है लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जहां जहां तोड़फोड़ हुई है उसके बाद कुछ निशानदेही करके चिन्हित करके लोगों को पकड़ती हुई पुलिस तो दिल्ली सीलमपुर में थोड़ा तनाव लगातार बरकरार है यहां पर भी सी डबल ए का लगातार विरोध जारी है और इस पर बवाल बढ़ता देख अच्छी खासी तादाद में पुलिस कर्मियों की यहां तैनाती की गई है लेकिन उससे पहले खबरें यह आई हैं कि जो भीड़ थी वो उग्र हुई और कुछ बसों में जमकर तोड़फोड़ की गई है यहां भी नुकसान पहुंचाया गया है सरकारी संपत्ति को बसों में जहां तोड़फोड़ की गई है डी की ये बसें जिनमें तोड़फोड़ की गई है प्राइवेट बस भी नजर आ रही है और ये वक्त इस वक्त जो ये पूरा बवाल शुरू हुआ स्कूल टाइम भी था वो बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है और उस दौरान इस तरीके से बवाल हो जाए तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है ऐसे में प्रशासन को पूरी तरह से दुरुस्त रहना चाहिए था यहाँ लेकिन पथराव हुआ है वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं सरकारी संपत्ति को यहां भी नुकसान पहुंचाया गया है इसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थम नहीं रहा जामिया मिलिया की आग अभी थमी भी नहीं कि एक बार फिर से दिल्ली में पूर्वी दिल्ली के सिलमपुर में यह प्रदर्शनों का दौर देखने को मिला है हालांकि भीड़ इस वक्त छट चुकी है पुलिस ने काफी हद तक स्थितियों को नॉर्मल किया है और अब इस पूरे रूट पर जहां अब से कुछ देर पहले बवाल कटा है वहां पर अच्छी खासी मात्रा में पुलिस मौजूद है लेकिन अब आ... चिन्हित किया जा रहा है शरारती तत्वों को देखिए कितने बड़े बड़े आकार के ईंट पत्थर लेकर पहुंचे थे ये प्रदर्शनकारी तो यकीनन शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो ये नहीं था और ऐसे प्रदर्शनों की हर किस इजाजत नहीं दी जा सकती कानून को अपने हाथों में लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं बहुत सी जगहों पर हमने देखा पथराव किया जा रहा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए लोग राजी नहीं हो पा रहे तो सीलमपुर में जाफराबाद में ये तस्वीरें सामने आई है ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है शरारती तत्वों को भी चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त छतों पर पत्थरों से कौन लेस है कौन अपनी गलत मंशा को सड़कों पर उतारना चाहता है उसके लिए पुलिस यहां फिलहाल पूरे इलाके को घेर चुकी है तो प्रदर्शनकारियों ने यहां बसों में तोड़फोड़ भी की है ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से जामिया मिलिया का छात्रों का जो संगठन आगे बढ़ता हुआ प्रदर्शन कर रहा था जिसमें छात्र या फिर यूं कहे कि शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे और फिर उन्होंने स्थितियों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी तो मौजपुर गोंडा जाफराबाद सीलमपुर यमुना विहार तक जाती हुई ये सड़क और देखिए ड्रॉन के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई और नापाक साजिशें रचता हुआ कहीं छिपा तो नहीं बैठा हाँ भाई तो वेलकम जाफराबाद ये सीलमपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां अब से पहले ही कुछ देर पहले यह बवाल के थमा है तो यकीनन इस वक्त सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है चाहे वो कोई भी पार्टी हो कांग्रेस सपा बसपा आम आदमी पार्टी लेकिन सब अपने अपने मुंह से बयान उस लिहाज से निकाल रहे हैं जो उनकी सियासत को सूट करता हो और यह दुविधा है देश में विडंबना है यह देश की कि इस तरीके से हिंसक प्रदर्शनों का दौर बढ़ता जा रहा है लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी सियासी रोटियां सेकने से पास नहीं आ रही है सभी को यह कहना चाहिए कि फिलहाल स्थितियों को सुधारा जाए फिलहाल स्थितियों को शांत किया जाए सभी को शांत रहने की अपील की जानी चाहिए किसी को भ्रम की स्थिति है तो उन्हें बताना चाहिए ये कि भारत के किसी भी नागरिक के लिए नहीं है यह कानून लेकिन ऐसी बातें बिल्कुल भी हर किस सामने नहीं आ रही हैं। तो मौका परस्ती जो देखी जा रही है सियासतदानों के द्वारा सियासत दलों के जरिए इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ सकता है स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं